छठ घाट पे, और छठ घाट पे एक अनोखा दृश्य आपको देख रहा है। जो लोग छठ कर रहे हैं वो लोग तो पूजा पाठ कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी के हाथ में दिया है, और दिया इस दिए दिखाने की परंपरा को गंगा दिया, गंगा माँ को आरती दिखाने वाली परंपरा मानते हैं। और लोगों का स्पष्ट मानना है कि इसके करने से भी सुबह का जो समय होता है, और जो जो भी दूसरा जो अर्घ है, इस अर्घ के दौरान बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और इस तरह का पूजा करते हैं, और गंगा मैया से कहीं ना कहीं अपने परिवार के सुख शांति की कामना करते हैं। कहा यह जाता है कि जो लोग छठ करते हैं उनको तो छठी मैया का आशीर्वाद मिलता ही है, लेकिन सुबह सुबह पूरी शुद्धता के साथ स्नान ध्यान करके और यहाँ आकर अगर इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, दीप जलाते हैं, तो निश्चित रूप से गंगा मैया उससे खुश होती है। सुबह सूर्य नारायण के उदय होने से पहले हम लोग नदी घाट पे आए हैं, तो दिया दिखाना एक परंपरा है जिसके माध्यम से हम लोग गंगा जी को आरती देते हैं, उनको सम्मान देते हैं और उनकी पूजा करते हुए श्री गंगा जिनको हम लोग नदी नहीं देवी मानते हैं, समस्त देवियों को, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी समस्त देवियों को हम लोग दिया दिखाकर अर्घ देकर उनकी आराधना करते हैं और उनको आरती दिखाते हैं। जिस तरह से अभी देखा कि हमने लोगों से बात किया, लंबे समय से चली आ रही परंपरा है, लोग गंगा नदी के किनारे जाकर तो नहीं कर पाते, लेकिन अभी लोग कोयल नदी के किनारे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि ये जो दीप प्रज्वलित यहाँ जलाई जा रही है और नदी में प्रवाह किया जा रहा है सीधे गंगा जी को अर्पित होता है और लोगों की मनोकामना पूरी होती है। खासकर महिलाओं में इसको लेकर खासा उत्साह है, महिलाएं स्पष्ट मानती हैं कि इसके करने से कहीं ना कहीं उनको बहुत सुख शांति मिलती है, जो पारिवारिक जो मनोकामना होती है, जो इच्छा मांगी जाती है वो पूरी होती है। स्पष्ट कहा जा सकता है कि लंबे समय से चली आ रही परंपरा, ये दीप दिखाने की परंपरा आज भी परंपरा कहीं ना कहीं वर्तमान स्थिति में भी काफी भव्य रूप में मनाया जाता है और लोग इसे काफी शुद्धता के साथ मनाते हैं। तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि इस तरह की परंपरा को लोग लेकर काफी उत्साहित है और कहीं ना कहीं गंगा मैया को आरती दिखाकर, दीप दिखाकर अपने परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। धन्यवाद पोस्ट के लिए डुमला से सुशील कुमार सिंह।